इस बार का माहौल दिखे, रहा जनता जो है 20 साल का सांसद है, कोई काम नहीं किया और विधानसभा का टिकट वही ले लिए। कांग्रेस का प्रत्याशी जो है खुद विधायक बन जाए, फिर महापौरी का टिकट ले लिए। सतना में चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, तीनों चीज़ सतना से समाप्त हो चुकी हैं। उसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष उनको चाहिए, सभापति अध्यक्ष उनके भाई थे, अब उनको विधायकी भी चाहिए। लेकिन उन्होंने सतना को 20 साल पीछे ढकेल दिया, तो कहाँ से जनता इस चीज़ को स्वीकार पाएगी। लेकिन कई ऐसे दर्द हैं जो बयां नहीं किए जाते और बीजेपी में रह के वो काम नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा करता था कि आखिर इस पार्टी में हम टाइम दे रहे हैं और हम अपने लोगों का ही छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर किस मतलब का टाइम। जी नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद बौद्ध द खबरदार न्यूज़ से। आज मैं विधानसभा चुनाव के सफ़र में सतना पहुंचा हूं, सतना विधानसभा। यहां पे मैं शिवा भैया का प्रचार देख रहा था, काफिला के साथ में चला, तो सर मिले जो समर्थन में आए हैं, समाजवादी पार्टी से समर्थन मिला हुआ है कि आगे बढ़ाना शिवा भैया को, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस बार का माहौल दिखे, रहा जनता जो है 20 साल का सांसद है, कोई काम नहीं किया और विधानसभा का टिकट वही ले लिए। कांग्रेस का प्रत्याशी जो है खुद विधायक बन जाए, फिर महापौरी का टिकट ले लिए। जनता का प्रत्याशी शिवा चतुर्वेदी है और ये प्रचार में आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह नौजवानों के बीच में उत्साह है, जिस तरह आम जनता उनसे मिल रही है, तो इससे तो लगता है जीत सुनिश्चित है। और ये दोनों पार्टियों की हालत बड़ी ख़राब है, जमीन से जुड़े हुए शिवा चतुर्वेदी। हाँ, शिवा चतुर्वेदी जी ने ऐसे काल में काम किया जब ये सांसद विधायक जो है इनका पता नहीं था, कोरोना काल में ये अपनी जान बचाते घूमते, तब ये अपनी जान लड़ा करके लोगों से सैनिटाइजर डाल करके लोगों से, और गरीब जो बेचारे मजदूर जिनके रोजगार चले गए थे वो भूखे बैठे थे, उनको ये हजारों पैकेट खाना बांटते डेली गरीब बस्तियों में लोगों की सेवा करते थे, तो उसका प्रतिफल बिल्कुल जनता के बीच में मिलेगा जो सेवा करेगा। और ये जो दोनों लड़ रहे हैं उनसे लाख गुना अच्छे प्रत्याशी हैं, कम से कम आज नहीं 10-12 साल से हम लोग इनका संघर्ष देख रहे हैं, छात्र जीवन से, और इसके बाद ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी थे, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। और सबसे बड़ा इनका मुद्दा जो है बेरोजगारी के सवाल पर है कि हमारा जो जिला का नौजवान है शहर का, इतनी फैक्ट्रियां हैं इनको, कहा सारे ठेके तो गणेश सिंह ने ले रखे फैक्ट्रियों के, तो कहां से रोजगार फैक्ट्री में दिला पाएगा, इनका तो ठेका नहीं चलता, ये नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, और सत्ता की जनता से अपील भी है कि नौजवान को चुनिए, बहुत देख लिया आपने इन पार्टियों को, अब ऐसा नेता चुनिए जो आपके बीच का हो, जो आपकी आवाज़ को उठाए। एक हमारे कांग्रेस के नेता विधायक जी, वो प्रश्न नहीं उठाते विधानसभा में, वो लड़कियों को ट्रेन में उठाते हैं, बताइए इस तरह के चरित्र के लोग चुनेंगे आप, तो क्या समाज में। जी ये काफ़ी निंदनीय बात बोले अभी साहब ने कि कांग्रेस के नेता लड़कियों को गलत नजर या नजरिए से देखते हैं, ये अलग हुआ है। हमने ट्रेन में हमने देखा है, पेपर में छपा कि हमारा विधायक जो है एक दिन विधानसभा में प्रश्न ही उठाया कि सतना को कभी संभाग बना दिया जाए, सतना में ये समस्या है, स्मार्ट सिटी बनी रीवा, बगल में देखिए रीवा महानगर है, सतना स्मार्ट सिटी होते हुए भी किसी को कोई सारी रोड है खुदी पड़ी, कोई समस्या का समाधान नहीं, पीने तक का पानी गंदा आता है, इसलिए अब ये कभी क्वेश्चन नहीं उठाए। ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं ये, और लोग व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हैं, गरीब वर्ग से सरभरा वर्ग का समर्थन है, इनके परिवार का भी, इनके बाबा जी जो रहे वो बहुत बड़े वो थे, मतलब उनके जाते थे गुरुदेव थे, जिनके आशीर्वाद से लोग बहुत चमत्कार हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद है, पिताजी ने भी इनके समाज में बड़ा काम किया है, और ये लगातार लगे हुए, इसलिए जनता सारी जनता सतना के समय को उठ खड़ी हुई है। यहाँ कोई पार्टी नहीं, शिवा चतुर्वेदी का माहौल है और बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतेगा इस बार, ऐसा माहौल है। और इस बार पब्लिक का जो रुख जा रहा है सत्ता परिवर्तन की तरफ जा रहा है कि हम मुख्यमंत्री बदलेंगे, तो उसमें दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है रुख या अपनी तरफ जा रहा है? नहीं देखिए, यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छे न होने के कारण बेचारे 40-40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हैं, उनको टिकट नहीं मिली, और नया कोई आकर के लड़ जाता है तो कांग्रेस का भी अपन को समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लगे हैं बहुत से, उनको टिकट नहीं मिली, एक परिवार को टिकट चाहिए, सारी टिकट है, उनका भी समर्थन है, तो यहाँ परिवर्तन तो है प्रदेश में, लेकिन इस बार यहाँ पर शिवा चतुर्वेदी के रूप में आ रहे हैं, इन दोनों का परिवर्तन, गणेश सिंह का और आपके डब्बू कुशवाहा का, इनका परिवर्तन जनता करना चाहिए। जैसा कि आप मानते हैं कि यहाँ की पब्लिक ने पहले ही चुन मान लिया है कि हमारे नेता शिवा भैया हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो इनके साथ घूम रहा देख रहा हूँ, जिस तरह नौजवान माताएं बहनें सरभरा भर गरीब से गरीब लोग आके गले लपटते मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई कुछ हमारे लिए करेगा, आज तक जिनको हमने चुनाव कुछ किए नहीं, तो आशा की किरण तो है। अभी जैसे यहाँ पे ये बना, आप देखेंगे नया मेडिकल कॉलेज बनवाया सांसद जी ने, जो एग्जिस्टिंग सांसद हैं,
फिर भी सीटें खाली जा रही हैं, इसमें क्या इनका कुछ रोल रहे? कॉलेज काहे को बना, लड़े तो हम लोग तो संघर्ष किए थे सब लोग, ये तो अपना तमगा ले लिए, इनने जो है ये हॉस्टल बन के रह गया है। अभी 650 बिस्तर का अस्पताल कोरोना काल में जब लोग मरते थे तो सतना के लोग इलाज कराए नागपुर जाते थे, बड़ी लड़ाई लड़ी गई। अब 650 बिस्तर क्यों नहीं अस्पताल आया, क्यों नहीं बना? और सारे मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ का बना है, 250 करोड़ का बंगला किसका गांव में बना है? कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं बीच में, कहीं ना कहीं चीज़ें? अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, यही बोल सकता हूँ कि अच्छा काम होना चाहिए था सतना के लिए, ये लोग कोई काम नहीं किया, अच्छा प्रत्याशी चुनिए, शिवा चतुर्वेदी के रूप में वो काम करेंगे बस। जी शिवा भैया जी, निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से विधायक बन के आया तो सतना में विकास की झड़ी बिछा दी जाएगी। आज आप देखिए सतना में चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, तीनों चीज सतना से समाप्त हो चुकी हैं। और निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद इन तीनों चीज़ में काम किया जाएगा, और साथ में कई मोहल्लों में पार्क बनवाए जाएंगे, फ्री ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए जाएंगे जहां लड़कों को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना फ्री सिखाया जाएगा हमारे युवा साथियों को, और ऐसे ही। जी जैसा कि आप लोगों ने सुना, शिवा भैया का उद्देश्य है रोज़गार लाना, विकास करना और यहाँ पे पार्क डेवलप करना, शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाना आगे। भैया जैसे आप अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम लोग क्षेत्र में घूमे तो सांसद जी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जो अभी प्रेजेंट में सांसद हैं विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का डर है कि एक सांसद को उतारना पड़ रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि देखिए सांसद जी चुनाव पहले अपने घर परिवार के लिए उन्होंने टिकट मांगी, किसी कारणवश पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी उन्होंने अपने बच्चे के लिए मांगी थी तो पार्टी ने कहा कि अभी आप लड़िए और बाद में जो है लड़कों को मौका दिया जाएगा, तो सांसद जी ने इसलिए फिर टिकट ले ली। और उनका ये मानना है कि अभी वो लोकसभा लड़कर विधानसभा लड़के और आगे चल के फिर लोकसभा लड़ेंगे और विधायकी अपने लड़के को लड़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं समाज परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। परिवारवाद को क्या, वो तो पहले से भी उनके यहाँ सांसद रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, सभापति अध्यक्ष उनके छोटे भाई रह चुके हैं। हाँ, उनके कुछ लोग जरूर कहा करते हैं कि और लोगों को भाजपा से पद नहीं मिला तो इसलिए छोड़ के चले गए, ये है वो है, लेकिन ऐसे लोगों को कहने के पहले खुद सोचना चाहिए कि वो किसके लिए कह रहे हैं। जो 20 साल से सांसद है उसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष ही उनको चाहिए, सभापति अध्यक्ष उनके भाई थे, अब उनको विधायकी भी चाहिए, तो चूंकि अगर एक विकास पुरुष होता तो जनता इस चीज़ को मान भी लेती और स्वीकार भी लेती, लेकिन उन्होंने सतना को 20 साल पीछे ढकेल दिया तो कहाँ से जनता इस चीज़ को स्वीकार पाएगी। यह हम सब देख सकते हैं कि सतना कितना अभी किस स्थिति में खड़ा है, हमारे 3 पंचवर्षीय से रहे हैं सांसद, रहे हैं विधायक भी, रहे सरकार रही बीजेपी की, फिर भी इतना विकास कुछ देखने को मिला नहीं। निश्चित रूप से यही सब कारण रहा बीजेपी छोड़ के आने का, मैं भी 15 साल बीजेपी में काम किया, लेकिन कई ऐसे दर्द हैं जो बयां नहीं किए जाते और बीजेपी में रह के वो काम नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा करता था कि आखिर इस पार्टी में हम टाइम दे रहे हैं और हम अपने लोगों का ही छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहे हैं तो फिर किस मतलब का टाइम। जी धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।